दिस इज वेयर द एक्सपर्टीज विल कम यू नो. What's up guys, welcome back to the channel. आप में से बहुत लोगों ने कमेंट्स लिखे थे कि भाई आपकी जो होंडा है, जो इलेक्ट्रिक होंडा है, उसके बारे में कुछ बताओ, उसके फीचर्स, कॉस्ट वगैरह वगैरह. तो इस वीडियो में बात करेंगे. ये है होंडा क्लैरिटी. टेक्निकली दिस इज अ प्लग इन हाइब्रिड कार. प्लग इन हाइब्रिड का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ देखोगे तो अभी एक चार्जर लगा हुआ है इसमें. इसमें गाड़ी में बैटरी है, ये गाड़ी चार्ज कर सकते हो, आप बैटरी पे चला सकते हो. साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर इंजन भी है. सो नॉर्मल कार की तरह इसके अंदर आप पेट्रोल भी डलवा सकते हो. वो सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर. ऑलराइट गाइस, ये है होंडा क्लैरिटी. इस वीडियो में रिव्यूअर होंगी मेरी श्रीमती साक्षी और मैं रहूंगा उनका सहयोगी. ज्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको ये देगी क्योंकि गाड़ी ये चलाती है. बीच बीच में थोड़ी बहुत टेक्निकल जो जार्गन होगी वो मैं थ्रो करता रहूंगा जिन लोगों को टेक्निकल चीजें पसंद आती है. वैसे तो कोई हम टेक्निकल ऑटोमोटिव रिव्यूअर्स तो है नहीं, नॉर्मल फैमिली ड्राइविंग अ फैमिली कार एंड शेयरिंग अवर एक्सपीरियंस विद यू. सो चलिए शुरू करें. ओके, लेट्स गो. हम लोग क्या क्या कवर करेंगे इस वीडियो में. बेसिकली हम कवर करेंगे इसके मेन फीचर्स, व्हाई दिस इज एन अमेजिंग कार, इसके बेनिफिट्स, फिर इसकी कॉस्ट जनरली कितने की होती है, हमें कितने की पड़ी, हमें बहुत ही अमेजिंग डील मिली थी, फिर इसकी एवरेज कितनी है, विंटर में कितनी ये बैटरी पे चलती है या फिर समर में कितनी ज्यादा चल जाती है, रेंज इसकी. सो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो कैन यू एक्सप्लेन हमारी ऑडियंस के लिए जिनको नहीं पता कि ये हाइब्रिड गाड़ियां क्या होती हैं. हाइब्रिड गाड़ी वो होती है जो दोनों चीजों से चल जाती है, पेट्रोल से भी और इलेक्ट्रिसिटी से भी. चार्ज करो तब भी चल जाएगी, पेट्रोल भरवाओ तब भी चल जाएगी. इसके अंदर एक बैटरी लगी है. जैसे नॉर्मल गाड़ियों में 12 वोल्ट की आगे बैटरी होती है इंजन को स्टार्ट करने के लिए, इसमें बहुत बड़ी बैटरी होती है, यानी 17 किलो वाट आवर की बैटरी है इसके अंदर. और कितना चल जाती है एक बार चार्ज करने पे? सो इट डिपेंड्स ऑन द वेदर. गर्मियों में मैंने इसको 80-85 की एवरेज देते हुए देखा है इन वन चार्ज, और सर्दियों में 50 तक की एवरेज आती है बस. विंटर इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इलेक्ट्रिक बैटरीज, इलेक्ट्रिक कार्स. सो बेसिकली क्या होता है कि आपकी 30-40% रेंज गाड़ियों की कम हो जाती है. सो ये जो गाड़ी है as she said 80 किलोमीटर्स एक चार्ज में चल जाती है गर्मियों में, और सर्दियों में 50. कितना टाइम लगता है इसको चार्ज करने में? चार्ज करने में यूजुअली मेरी आदत है, मैं आते ही घर पे जस्ट प्लग इट इन तो पूरी रात में मेरी चार्ज हो जाती है. बट आई थिंक 5-6 घंटे लगते होंगे चार्ज में. 5-6 कितने मुझे नहीं पता कितनी देर में चार्ज होती है. ओके, मैं तो पूरी रात लगा देती हूँ. ओके, दिस इज वेयर द एक्सपर्टीज विल कम यू नो. दो तरह से चार्ज हो जाती है गाड़ी, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में ना 110 वोल्ट का करंट होता है जो नॉर्मल घर के अंदर प्लग होते हैं. जैसे इंडिया में 220-240 का होता है ना, घरों में नॉर्मली 110 का होता है. तो अगर 110 में लगाओ चार्ज पे, सो इट टेक्स द होल नाइट, यानी 11-12 घंटे में लगती है. वो तब जब गाड़ी की बैटरी बिल्कुल ही डाउन हो, मतलब जीरो. लेकिन जब बात आती है 240 वोल्ट पे या 220 वोल्ट पे अगर आप गाड़ी को चार्ज कर रहे हो, सो 2-2.5 घंटे में 10% से 100% हो जाती है ये, विच इज वेरी गुड. क्योंकि हमने अपने घर में 220 का कनेक्शन लगवाया हुआ है जस्ट इन केस हमें जरूरत पड़ी, क्योंकि हम अपनी टेस्ला उस पर चार्ज करते हैं, बट ये हम नॉर्मली करते नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी है तो आप इलेक्ट्रिसिटी का फायदा उठाते हो. गाड़ी के अंदर पेट्रोल इंजन है. जैसे ही इलेक्ट्रिक पावर खत्म होती है ऑटोमेटिकली ना आपकी स्पीड रिड्यूस होती है ना आपको पता भी नहीं चलता, गाड़ी जो है वो एक लाइट डिफरेंट ऑन हो जाती है कि भैया गाड़ी पेट्रोल पे आ गई है. बस थोड़ी आवाज भी हो जाती है, आवाज हो जाती है, आवाज का डिफरेंस होता है, बिकॉज़ इलेक्ट्रिक कार्स आर सुपर डुपर डुपर क्वाइट. हाँ, विच इज़ वाई आई लाइक इट मोर देन टेस्ला, कि यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पूरा है नहीं है, चार्जिंग है नहीं है, बस चल दो, खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, पेट्रोल डलवा लोगे. बट टेस्ला में आपकी यू हैव टू हैव इट फुल्ली चार्ज. अगर आपको कहीं जाना है, अपने प्लान से आप डाइवर्ट नहीं हो सकते कि इतना सोच के गए हो भाई इतनी चार्ज होगी, या फिर कहीं इसको चार्जिंग के लिए खड़ी करो टेस्ला को. इसमें नो प्रॉब्लम, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट. व्हाई दिस कार, ये गाड़ी हमने क्यों खरीदी? जब हमने ये गाड़ी लेनी थी तो वी शॉप अराउंड एंड वी लुक्ड एट मेनी कार्स, बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स देखी हमने, देखी शेवी बोल्ट, शेवी वोल्ट, टोयोटा प्रियस एंड BMW की i3. तो ये सारी हमने एक दिन एक जगह जाके देखी. लेकिन व्हाई आई लाइक दिस कार, दैट दिस इज़ वेरी स्पेशियस. पीछे हमारे दो बच्चे हैं, दोनों बैठ जाएं, उसके बाद भी तीसरा बंदा आराम से बैठ सकता है. मेरी हाइट है 5'10",
और आगे मैं बैठा था ना, बहुत ही कंफर्टेबल बैठा था मैं आगे पैसेंजर सीट पे। अभी पीछे देखो कितनी ज्यादा जगह है इस गाड़ी में, मेरे को कैमरा दिखा, लुक एट दिस, ये देखो जरा, मतलब कितनी जगह है अभी ये देखो। बट बाकी शेवी बोल्ट वोल्ट किसी में भी पीछे स्पेस ही नहीं था, यू कैन ओनली सिट लाइक 4 पर्सन कार थी वो। दिस इज आई थिंक एज बिग एज द होंडा अकॉर्ड है, हां होंडा अकॉर्ड जितनी बड़ी है। स्पेस इज अ मस्ट फॉर अस बिकॉज़ वी हैव टू किड्स हु मेक अ लॉट ऑफ मेस एंड नीड्स अ लॉट ऑफ स्पेस, तो हमें इतना स्पेस तो चाहिए ही चाहिए। और फिर कोई ना कोई आया भी रहता है, जैसे कभी किसी को साथ लेके जाना है तो फिर हमें सोचना नहीं पड़ता। फिर दूसरा इसकी लुक एंड फील इज वेरी मॉडर्न, लाइक बाकी शेवी बोल्ट वोल्ट सब वही वही बटन बटन ऐसे कुछ था, बट इसकी ये स्क्रीन और दो हमने ये लेने से पहले देखी नहीं थी। We never sat in, किसी डीलरशिप पे थी नहीं, हमने सारी ऑनलाइन ही देखी थी, हमने इसमें कभी भी बैठ के नहीं देखा लेने से पहले। बट स्टिल वी लाइक दिस कार, द लुक एंड फील ऑफ दिस कार एंड दिस टेक्सचर, और ये जो थोड़ी लग्जूरियस फील थी इस कार की। एंड फिर होंडा इज वेरी रिलायबल एज कम्पेयर टू शेवी, एंड ये BMW की मेंटेनेंस बहुत महंगी है, फिर इसीलिए भी हम होंडा के साथ गए। तो ये थोड़े से रीजन थे जो वी डिसाइडेड ऑन दिस कार। या जैसा कि आप देखोगे ना, दिस फील्स वेरी ओपन, यानी काफी स्पेशियस लगती है, और मटेरियल्स जो है देयर ऑल लाइक सॉफ्ट टच मटेरियल्स, यहाँ पे वुड के टेक्सचर हैं। तो मैंने अपना आईफोन कनेक्ट किया इसके साथ, तो ये ऐसा दिखता है इसका इंटरफेस, ये सारी एप्स आपकी इसके अंदर आती हैं, फोन हो गया, मैसेजेस हो गए, व्हाट्सएप भी हो गए, व्हाट्सएप के मैसेजेस रीड भी कर देते हैं क्योंकि व्हाट्सएप इज द मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशन जो मेरा यूज होता है। तो किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो आप वो ये बोल के भी बता देता है, एंड प्लस अगर आपको रिप्लाई करना है तो आप गाड़ी चलाते हो बोल के रिप्लाई भी कर सकते हो, सो विच इज वेरी गुड। Spotify पे कोई भी गाना बोल के चला सकते हो, किसी को कॉल कर सकते हो, WhatsApp मैसेज भेज सकते हो। जैसे कोई बोल के चलाना हो गाना, कैसे चलेगा? तो ये एक बटन है, यू प्रेस दिस, प्ले सोनू निगम ऑन Spotify, नाउ प्लेइंग सोनू निगम फ्रॉम Spotify। तो ये मैप का इंटरफेस है फॉर एंड्रॉइड, आप ये जैसे मैप्स में कहीं जहाँ भी जाना है उसकी लोकेशन यहाँ से आप डाल सकते हैं, सफारी, नायग्रा, स्टारबक्स, जो भी जहाँ भी जाना है, हमें कहीं नहीं जाना है। तो हम जाएंगे वापस मेन स्क्रीन पे। तो इसके अंदर एक और फीचर है विच इज कॉल्ड होंडा सेंस, ये काइंड ऑफ ऑटो पायलट फीचर है जैसा कि टेस्ला में होता है, इतना बढ़िया नहीं है टेस्ला जैसा। जो टेस्ला वाले फीचर है यानी कि होंडा सेंस, अब मैं होंडा सेंस को ऑन कर देता हूँ, तो अगर मैंने ऑन कर दिया, मैंने पाँव हटा लिया है और उसके अलावा मैंने हाथ भी हटा लिया है स्टीयरिंग पे से, गाड़ी जो है लेन में रखेगी, कभी भी लेन से बाहर नहीं जाएगी। हालांकि अगेन सेम है, सभी तरह के ऐसे फीचर्स के अंदर आपको, आप सो नहीं सकते गाड़ी में, आपको ध्यान आगे रखना पड़ेगा, और जब भी गाड़ी आपको बोलेगी कि अपना हाथ जो है वापस स्टीयरिंग पे रखो, तो आपका हाथ स्टीयरिंग पे रखना पड़ेगा। ना आपको ब्रेक लगाने की चिंता है, ना आपको गाड़ी को लेन में रखने की चिंता है, सो स्ट्रेस लेवल आपका काफ़ी रिड्यूस्ड रहता है उस केस में। अगर आप देखोगे इस टाइम, अभी इसने बोलना शुरू कर दिया कि हल्का सा हाथ लगाओ, हाथ लगा दिया हल्का सा, एंड दैट्स प्रीटी मच इट, ये अब गाड़ी अपने आप चल रही है। अगर मेरे आगे कोई गाड़ी आ जाएगी तो धीरे भी अपने आप हो जाएगी। सो उस हिसाब से इसके जो फीचर्स हैं दे वेरी कंपेरेबल टू अ टेस्ला, खासकर अगर आपको टेस्ला मॉडल 3 से आप कंपेयर करोगे तो इसमें साइज ऑलमोस्ट उतना है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा टेस्ला मॉडल 3 से इसमें साइज। फिर उसके साथ में इसकी जो कॉस्ट है वो टेस्ला मॉडल 3 से काफ़ी कम है, फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है बहुत बड़ी स्क्रीन नहीं है, आप नेटफ्लिक्स नहीं यूज़ कर सकते, बट यू कैन यूज़ एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। अच्छा, कई एक लोगों का सवाल ये होता है कि गाड़ी कितनी मैक्सिमम स्पीड तक बिजली पे रह सकती है। देखो, हम लोग यहाँ से US गए थे पेंसिल्वेनिया, वहाँ पे हाईवे की स्पीड्स काफ़ी ज़्यादा, यानी आप 130-140 तक आराम से आप गाड़ी चला सकते हो। तो 140 पे हम लोगों ने चलाई थी ऑल ऑन इलेक्ट्रिक ऑन इको मोड, और एक बार भी ये इंजन पे नहीं आई, मतलब ख़त्म होने के बाद इंजन पे आई। ओके गाइज, अब बात कर लेते हैं थोड़ी टेक्निकल चीज़ों की, यानी बात करेंगे इसका इंजन, उसकी रेंज, उसकी इकोनॉमी वगैरह वगैरह। सो मैं बता देता हूँ, इसके अंदर ना लगभग 26 लीटर का टैंक है, जो कि बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में बहुत कम है। उसका एक रीज़न ये भी है कि इसकी रेंज जो है, फ्यूल इकोनॉमी जो है ना इस गाड़ी की, वो बहुत बढ़िया है। तो 26 लीटर में जो कंपनी बोलती है ना, वो बोलती है कि 500 किलोमीटर पेट्रोल पे चल जाएगी ये गाड़ी, मतलब 20 किलोमीटर पर लीटर। बट किसी किसी केस में मैंने नोटिस किया है कि ये अप टू 25 की रेंज भी देती है। मान लो कभी कोई बहुत गर्म दिन होता है जिस दिन आप एसी नहीं चल रहा, तो 25-26 की रेंज बहुत बढ़िया, बहुत आराम से गाड़ी दे देती है। और टोटल 550 किलोमीटर, सॉरी टोटल हो गया आपका 575 किलोमीटर इसकी टोटल रेंज होती है इलेक्ट्रिक
प्लस गैस की, सो रेंज एंग्जाइटी इस गाड़ी में आपको बिल्कुल नहीं होती। ओके, सो मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। ये गाड़ी की जो कॉस्ट थी वो थी $42,000 जिस टाइम हमने ये गाड़ी ली थी। अब ये गाड़ी एक्चुअली महंगी हो गई है, 42 प्लस टैक्स, यहाँ पे 13% टैक्स लगता है। सो आई थिंक इट केम आउट टू बी अराउंड $47,000। जब हमने गाड़ी ली उस टाइम गवर्नमेंट का एक रिबेट चल रहा था इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर, कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हो जिसकी बैटरी 17 किलोवाट आवर से ऊपर है, आपको $14,000 का रिबेट मिलता था, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस कार, जो कि हमने ले लिया तो हमारे को 33,000 की पड़ी थी। अब था क्या कि इस गाड़ी पे हमने लीज़ ली थी, वो मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो हमने लीज़ क्यों ली थी। हमारी जो लीज़ थी उसमें हमने जो 14,000 हमारे को रिबेट मिला था ना, वो हमने पूरा रिबेट एज अ डाउन पेमेंट डीलर को दे दिया था, इसलिए हमारी लीज़ पेमेंट्स बहुत कम हो गई थी। ओरिजिनली इसकी लीज़ की मंथली प्राइस था इसका $800 something, बट क्योंकि हमने $14,000 जो गवर्नमेंट से हमारे को मिले थे वो हमने एज इट इज़ डाउन पेमेंट कर दिए थे, तो हमारी आई थिंक $350 प्लस टैक्स ऐसी मंथली लीज बनी थी, विच इज़ नथिंग। सो $350 हम मंथली पे कर रहे हैं, उसके अलावा हमारा सिर्फ इसको चार्ज करने का बिजली का खर्चा आता है हल्का फुल्का, आई थिंक वो भी शायद $10 या $15 में हमारा काम चल जाता है। मतलब अब ऐसे अलग से तो इसके लिए मीटर नहीं लगा हुआ, बस मेरा एक अंदाज़ा है कि $10 से $15 एक्स्ट्रा लगते होंगे इसको चार्ज करने में, जितना हमारा यूजेज है मंथली का, और उसमें हमारा काम चल जाता था। फिर साल में 2-3 बार पेट्रोल डलवा लो, और एक बार पेट्रोल डलवाने के कोई यहाँ पे आई थिंक ऑन एन एवरेज $1 के आसपास चल रहा है पिछले 1-2 सालों से पेट्रोल, $1 per liter। सो देख लोगे अगर 26 लीटर की टंकी है पूरी भी फुल करा लो तो $25-26 में आपके टैंक फुल हो गया, जो हमारा पता नहीं कितने महीने चल जाता है। अच्छा एक बात बता, बड़े सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमसे तो यार इलेक्ट्रिक कार हमारे बस की नहीं है, कौन चार्ज करे, कौन वेट करे, इतनी हैसल है, ऐसी कुछ दिक्कत होती है। अगर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, तू अपना एक्सपीरियंस बता। शुरू में लगता था थोड़ा सा, क्योंकि आदत नहीं है हमेशा बस उठाओ बैग और निकल जाओ, लेकिन फिर इतनी बार आपके टोकने के बाद अब तो सेकंड नेचर ही बन गया कि जैसे ही गाड़ी आओ बंद करो, पार्क पे लगाओ, बटन दबाओ, यहाँ बटन है बाहर का वो ऑन करने का जहाँ से चार्ज होता है। ओके, लेट्स शो एवरीबॉडी कि कैसे चार्ज होती है। चलो ओके, यहाँ पे दिस वन, ठीक है, ये बटन दबाओ, आते ही तो आपका ये बाहर बॉक्स खुल जाता है जहाँ चार्ज होता है, दिस इसको ओपन करो। चार्जर हमेशा हमारा यही बाहर, हमने जगह बनाई है दोनों के अलग अलग बनी हुई है, इधर मेरा इधर उनका, बस ये चार्जर उठाओ, जस्ट प्लग इट इन, दैट्स इट, डन। सो ये था गाइस होंडा क्लैरिटी का एक रिव्यू और इन्फॉर्मेशन वीडियो। अब दो बातें हैं कि या तो आपको ये वीडियो पसंद आई है या नहीं आया, दोनों ही केस में या तो लाइक या डिसलाइक करके ही आप जाना, और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करके जाना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हाय गाइस। January 17 शाम के 7:30 बजे गोइंग फॉर द रन, टारगेट 3 kilometers। Let's go. Tange hurting really bad for last 16 days. Doesn't really matter. Have to run means have to run. Let's go.